गोहाना में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। किसानों ने एकजुट होकर कई गांवों में सड़कों पर जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग की। हालांकि किसानों ने जाम के चलते केवल एम्बुलेंस व जरूरी लोगों को जाने दिया। किसानों का कहना था कि मोदी सरकार किसानों पर कृषि कानून थोप रही है, जबकि किसान इसका पहले दिन से ही विरोध करता आ रहा है। इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 13 दिन से सड़कों पर हैं और किसान तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। हमारा ये कहना है कि 2006 में जो बिहार का आलोया था ना, MSP खत्म करी थी, वो जो लोग हैं आज 10 एकड़ का जमींदार हमारे आध एकड़ के जमींदार को धान लगाने आता है, तो इससे बदतर क्या होगा। जो इन्होंने एक तीन काले कानून लाए हैं, ये एक कमेरा वर्ग को बिल्कुल, एक व्यापारी लोग को एक बंधुआ मजदूर बनाने के लिए इन्होंने ये तीन कानून लाए हैं, और तब तक ये तीनों कानून विफल नहीं हो सकेंगे, वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और किसान यूनियन के झंडे नीचे कोई जाति कोई धर्म नहीं है, कोई पार्टी कोई कुछ नहीं है। पहले किसान, किसान की कौम किसान में होती है, उसमें कोई जाति नहीं होती और नहीं कोई पार्टी होती। सबसे पहले हम किसान और किसान के पुत्र हैं। किसान पुत्र होने के नाते हम आने वाली जनरेशन के लिए, जो ये हमारे साथ बैठी है, अगर ये कानून आ गया ना, तो ये जो आज हम ठीक जिंदगी जी रहे ना, हम अपना गुजारा चला रहे हैं, इनका गुजारा नहीं होगा। इनके लिए और अपने लिए हम इस संघर्ष को आखिरी दम तक, जब तक सांस रहेगा, किसान यूनियन जहाँ भी जो बोलेगी उसके अनुसार हम इस कदम के साथ कदम मिलाते रहेंगे। पूरा गाँव, हमारा अवलाना गाँव, बिल्कुल 36 बरादरी से सभी लोग इस आंदोलन का सहयोग कर रहे हैं। जाम ये तीन कानूनों के विरोध में लगाया जा रहा है भाई, ये कानून वापस नहीं होंगे, इतने जाम भी होगा और आंदोलन भी चलेगा। कहाँ गलत मानते हैं आप इन तीन कानूनों को? तीन कानूनों को सारे ही गलत हैं भाई, जो जमींदार को तीनों कानूनों से नुकसान है, कोई भी जमींदार की भलाई के लिए नहीं। तो समर्थन करते हुए आज भारत बंद का जाम लगा रखा है? हाँ, लगा रखा है, ये किसान का आह्वान है, और ये किसान जब तक ये तीन कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन सक्रिय रखेंगे। भारत बंद के चलते ग्रामीणों ने कई गांव में लिंक रोड पर जाम लगाया, जिसके चलते लोगों को वहां से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि किसानों के जाम के चलते पुलिस भी शहर में मुस्तैद दिखाई दी और कई रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया। बता दें कि किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में भारत बंद का ऐलान किया है, और किसानों के इस ऐलान का विपक्षी पार्टियों के साथ साथ समाजवादी संगठन भी समर्थन कर रहे हैं। हालांकि किसानों व सरकार के साथ 5 दौर की वार्ता हो भी चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। अब 9 दिसंबर को एक बार फिर किसानों के साथ सरकार की वार्ता होनी है। कोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।